अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब सेफ होंगे। हम आपको केजी क्लास की कहानी पढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है शेर और चूहे की कहानी। एक जंगल था जिसका राजा एक शेर था। जंगल में एक चूहा भी रहता था। एक दिन शेर जंगल में सो रहा था, अचानक वहाँ चूहा आकर खेलने लगा। शेर की नींद खराब हो गई, उसने चूहे को पकड़ लिया। तब चूहे ने शेर से मिन्नत मानी कि वो उसे ना खाए, किसी दिन वो शेर के काम आएगा। शेर को हंसी आ गई, मगर उसने रहम खाकर चूहे को छोड़ दिया और कहा, तू मेरी क्या मदद कर सकता है। एक दिन शेर एक शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गया। शेर बाहर निकलने के लिए परेशान था, अचानक वहाँ पर वही चूहा आ गया। उस चूहे ने शेर की मदद की और जाल को कतरना शुरू किया। थोड़ी ही देर में शेर आज़ाद था। उसने चूहे का शुक्रिया अदा किया। दोनों हंसी खुशी जंगल में रहने लगे। किसी की मदद करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अब आप लोग दोहराइए शेर और चूहे की कहानी। एक जंगल था जिसका राजा एक शेर था। जंगल में एक चूहा भी रहता था। एक दिन शेर जंगल में सो रहा था, अचानक वहाँ चूहा आकर खेलने लगा। शेर की नींद खराब हो गई, उसने चूहे को पकड़ लिया। तब चूहे ने शेर से मिन्नत मानी कि वो उसे ना खाए, किसी दिन वो शेर के काम आएगा। शेर को हंसी आ गई, मगर उसने रहम खाकर चूहे को छोड़ दिया और कहा, तू मेरी क्या मदद कर सकता है। एक दिन शेर एक शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गया। शेर बाहर निकलने के लिए परेशान था, अचानक वहाँ पर वही चूहा आ गया। उस चूहे ने शेर की मदद की और जाल को कतरना शुरू किया। थोड़ी ही देर में शेर आज़ाद था। उसने चूहे का शुक्रिया अदा किया और दोनों हंसी खुशी जंगल में रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी की मदद करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। चार। बच्चों, जो कहानी पढ़ाई गई है उसको घर पर याद करें। शुक्रिया।